हेलो एवरीवन, मैं हॉस्टल में आ चुका था फिलहाल और अभी जा रहा हूँ निज़ामी स्ट्रीट पे। और ये मेरे हॉस्टल का कॉरिडोर है, ये मेन गेट है, यहाँ से हमें ऊपर जाना होता है। तो ऊपर जाके फर्स्ट गेट जो है वो हॉस्टल का ही है। तो मैं ज़्यादा देर सोता रह गया था, मन भी नहीं किया क्योंकि धूप बहुत थी तो बॉडी बहुत डाउन हो चुकी थी। और पानी वानी यहाँ पे कुछ खास लोग देते नहीं हैं, तो यू हैव टू परचेज योर बॉटल। अभी मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले खाने का और पानी का दोनों जगह देखूँगा। फिलहाल जो भी बाकी और डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा यहाँ पे बाको में क्या है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ तक आते आते बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। क्योंकि रास्ते में आप जैसे जैसे आओगे जाओगे आपको ऑप्शन जो है वो अलग अलग मिलते रहते हैं एक्चुअल में क्या है। बट यहाँ फाइनल रूम पे आते ही मेरे को सारी डिटेल्स मिल गई थी। और बगल में निज़ामी स्ट्रीट है और एक साइड में प्रोमेनेड है जो रिवर साइड पे दिया हुआ है, तो वो भी मैं दिखा दूँगा रात में। बाकी फ्लेम टावर्स का झलक जो है दूर से देखने को मिल जाएगी क्योंकि आस पास में है, फिर मैं मॉर्निंग में जाऊँगा। और चार दिन का स्टे है यहाँ पे मेरा, मुझे कुछ मतलब गुड वाइब्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी यहाँ पर। पहले ही दिन से ही एक फीलिंग आती है ना कि आप किसी शहर में हो और लोग वेलकमिंग है, बट नहीं, देखते हैं आगे और कैसा दिन जाता है। और ये है गेट, चलते हैं बाहर। ये मेरे जो हॉस्टल है इसका कहीं पर नाम वो निशान नहीं है, ना ही कोई साइन बोर्ड है, बस ये बॉस का स्टोर है। इसी की फोटो इसने खींच के रखी है दिखाने के लिए कि भाई आप कहाँ से नहीं है भाई वो क्या आ सकते हो। और एक और ड्रामा है भाई यहाँ पे रोड क्रॉसिंग का। ये जो जिस रोड पे मैं हूँ मेन रोड से जस्ट पीछे वाली गली है। अब आपको अगर रोड क्रॉस करनी है ना तो मेन रोड वाली से आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि मेन रोड में प्रॉब्लम क्या है, पेडेस्ट्रियन का और ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिया ही नहीं है कि आप क्रॉस करोगे। तो अभी भी देख लो यहाँ पर कारें आ रही हैं, क्रॉस करने में दिक्कत होगी। और यहाँ से सीधे जाना है मुझे, वैसे कुछ चेंजेस नहीं करने। रात को पूरा आपको दिखा दूंगा क्या सीन है कैसा सीन है। और जो हॉस्टलर जो हॉस्टल ओनर था उसने मतलब आते ही मेरे से यही चीज़ पूछा कि भाई आपने हॉस्टल बुक किया है मेरा ना कि booking.com का। क्योंकि मैंने ज़्यादा बहस नहीं किया क्योंकि एक तो इसका एड्रेस उसने गलत डाला हुआ था और लोकेशन वगैरह कुछ थी नहीं खास। फिर 10 मिनट मुझे बाहर बैठाया, बाहर में खड़ा रहा, कहीं गया हुआ था, आया 10 मिनट में चेक इन कराया। वो आते ही आते सबसे पहले यही बोल रहा है कि मैं कजाकिस्तान में गया हुआ था। तो कह रहा है कि कजाकिस्तान बहुत पुअर कंट्री है। भाई लोगों की मैंटेलिटी को क्या हो गया पता नहीं, मतलब पैसा पैसा पैसा। अगर कंट्री रिच है तो वहीं जाओ घूमने के लिए, और जो चीप कंट्रीज है वहाँ पे आपको नहीं जाना घूमने के लिए। अजीब लोग हैं, इतनी खुन्नस लोगों में भरी हुई है ना, कोई किसी को भी ना अपने से ऊपर आने नहीं देना चाहता। मैंने कुछ कंट्रीज विजिट की थी तो उसमें से उसने चेक किया पासपोर्ट मेरा, पूछा भाई यू आर विजिटिंग ओनली चीप कंट्रीज़। मैंने कहा भाई मेरी मर्जी है, मैं जहाँ जाऊँगा वहीं पर मेरा मन करेगा वहीं जाऊँगा मैं। और मैंने ये बताया कि भाई ऑलवेज चेक फॉर द डील्स, जहाँ मुझे डील मिलती है मैं चला जाता हूँ। तो ये है कुछ आस पास का एरिया पूरा। अभी मैं निज़ामी स्ट्रीट पे जा रहा हूँ। यहाँ की जो मैप लोकेशन है ना भाई, आप हॉस्टल नहीं ढूंढ सकते हो अगर उन्होंने बाहर साइन बोर्ड नहीं लगाया, बहुत मुश्किल है। यू हैव टू कोऑर्डिनेट, इवन उनके नंबर जो है ना वो भी व्हाट्सएप पे ना प्रॉपर शो नहीं करते हैं, उसका भी फॉर्मेट है। मैंने एक जो टेलीकॉम की लेडी थी जहाँ से मैं सिम लिया था उससे बोला कि ये नंबर को व्हाट्सएप पे मेरे को करना है। उसने क्या किया, स्टार्टिंग के 4 नंबर साथ में रखे हैं, बाकी 2 नंबर अलग रखा, फिर बाकी 3-4 नंबर जो है वो 2-2 के गैप में रखे थे। तो जाके वही सेम नंबर जो मैं डालना चाह रहा था वो व्हाट्सएप पे दिखा रहे हैं कि हाँ दिस नंबर इज अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप। थैंक यू। और वही तो यहाँ पे आपको यूरोपियन कल्चर तो देखने को मिलेगा मिलेगा क्योंकि यूरोपियन रीजन में आता है। सो रोड दूसरी साइड पर हूँ, जो सोच नहीं रहा था मैं निकलूँगा रात में, बट मैंने कहा टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, निकल जाते हैं। मैं केम आउट 11:30 बजे क्योंकि रात में यहाँ पे थोड़ी हैपनिंग आ रहे हैं।
यंग जनरेशन आपको मिलेगी मोस्टली, आपको ही नहीं मिलेगा यहाँ से लिफ्ट लेना है, ये फॉल्स है उसके पास से। आई थिंक दिस इज द एरिया ऑन जामिन स्ट्रीट। लुक फॉर द डोनियर जो कि सही रहता है, बजट में रहता है। तो एक तो मैंने लिया था, मैं उसके साहिल मेट्रो स्टेशन के पास में ही था, वहाँ से लिया था। वाइन हाउस हुक्का, हुक्का वाइन हाउस इसको पीना पाया जाओ। तो अब यहाँ से कुछ शुरुआत होते हुए दिख रही है निजामी स्ट्रीट की। सो ये पूरी जो स्ट्रीट है कुछ डिस्टेंस पे है, आई थिंक जब मैं मैप में देख रहा था 800 मीटर या फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पूरा निजामी स्ट्रीट का है स्ट्रीट। अभी एक नया चेंज हुआ है गूगल मैप्स में, अगर आप जब कुछ स्ट्रीट सर्च करोगे ना तो वो कितनी लेंथ में है, कहाँ से कहाँ तक, वो भी आपको दिखा देगा। तो कुछ देखो ऐसा है, होटल थिएटरम तबाड़ा। और एक और चीज़ यहाँ पे जितने भी आपको ब्रांड्स हैं ना कपड़ों के बाहर स्ट्रीट पे जो मिलेंगे यहाँ, और ये वाले छोड़ दो जो स्ट्रीट वाले हैं वो कॉपीड होते हैं भाई, तो उन्हें मत लेना भूल के भी। वो कहते हैं यहाँ अच्छा मिल जाए घंटा, अच्छा अच्छा नहीं है, स्ट्रीट पे सारा कॉपी होता है। कभी भी किसी भी कंट्री में जाओ स्ट्रीट पे आपको ब्रांडेड कपड़े मिलना है नेक्स्ट इम्पॉसिबल भाई, स्टोर वाले पागल थोड़ी हैं जो स्टोर खोल के बैठे हैं ब्रांडेड कपड़े बेचने के लिए। तो दिस इज़ निजामी स्ट्रीट, यू कैन सी। तो उस एंड से उधर से आप जाओगे सीधे इस एंड तक का पूरा जो है स्ट्रीट है। क्लब्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा बिकॉज मैं जाता नहीं हूँ, बट यहाँ पे आप आ सकते हो, क्लब्स वगैरह अवेलेबल है। इंडियन फेसेस भी दिख जाएंगे यहाँ पे, देख लो भाई बैठे हुए चलते हुए। चिनार, चिनार वाला तो बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है, अपने यहाँ भी अवेलेबल है। ये इंडियंस है देखो, ये लोग ही बोल रहे हैं नाम देखो चिनार। मुझे बस ये कल्चर अच्छा लगता है, ये आपको जो दिख रहा है ओपन एयर का रेस्टोरेंट्स का, मोस्टली आप सेंट्रल एशिया में जाओगे ना तो आपको ओपन एयर कल्चर मिलेगा ही मिलेगा। कैमरे में मे भी थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ ब्लरीनेस आ रहा होगा बिकॉज ऑफ दी स्केचेस। देखो साहिल बागी यहाँ पे दिया 150 मीटर 50 मीटर, अच्छा लग रहा है ना। मस्त ठंडी हवा चल रही है क्योंकि इसके बगल में सी साइड एरिया है तो वहाँ से ठंडी हवा आ रही है। मैकडी सैकडी में जाना नहीं हूँ, ये सारे आपके साइड के कैफेज हैं। इसमें एक्चुअली गैप हो जाता है करीब 5 महीने 6 महीने, और गैप नहीं होता उतना ही मेरे अच्छा रहता है क्योंकि वो उतना फ्लो में आ जाता हूँ मैं बात करने के लिए,
एक देखो इधर जा रही है स्ट्रीट, थोड़ी सी बंद है हल्की फुल्की, मेन ये है एल शेप में बन रहा है और यहाँ थोड़ा सा शांति एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक बागसल का है, मैंने जो लिया था जिस जो मेरा हॉस्टल है ना वहीं से स्ट्रेट लाइन आती है, तो मैंने अदर सेल से ले लिया था, आई थिंक 11 मनात मैंने पे किए थे, 500 रुपीस के आसपास लगे, जिसमें मेरे पास में 6 GB का डेटा है, 1 वीक के लिए मिलेगा और 6 GB 1 वीक में यूज़ करके चला जाऊँ, क्योंकि 4 डेज ही रुकना है तो रुकने का मतलब नहीं बनता यहाँ पे एक्स्ट्रा। एक आपको पॉल यहाँ मिल जाएगा, मंगोलिया शॉप मिल जाएगा। रिलैक्स करना पड़ेगा भाई, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग देख लो नाइट लाइफ कैसी है और निज़ामी स्ट्रीट कैसा है। तो ये पूरी एंडिंग है और अदर साइड पे उस साइड पे आप जाओगे क्रॉस करके तो वो आपको मिलेगा, सी साइड प्रोमेनेड है आपका वॉक करने के लिए, आप वहाँ जा सकते हो। Do you speak English? Yeah, yeah. What are the bread options? Bread? Yes. 1 minute. Awesome. Then I will also give you some cheese. Tell them, bread. I suppose you're from the desert. Var, var, içeride hadi. Bread and... cheese. No, not cheese. No. Flavored milk. Yeah, yeah, yes. It's bread. Okay. Vale. Okay, it's good. Yes. Where from? From India. India. Delhi. Delhi. Good, very, very good. And what's your name? Ramzan. Akbar. भाई ये कुछ स्टोर पे दो लोग मिल गए थे जो ओनर हैं, सो ये मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? अकबर। सो यू आर द ओनर द शॉप? या या। ओके एंड हु यू? आदर। यू वर्क हियर? माय नेम इज बेन्यामिन। या या। ओके व्हाट्स योर नेम? बेन्यामिन। बेन्यामिन एंड यू हैव सेड अकबर। अकबर इज द फेमस नेम इन इंडिया, यू नो। ताजमहल? ताजमहल। यस। या या। आई नो आई नो। कम टू इंडिया। तो भाई मैंने ये योगर्ट लिया है, 1.8 मनत का है, 88 रुपीस समथिंग। आई हैव टू टेल माय ऑडियंस आल्सो द प्राइस ऑफ इंडियन प्राइस, 1.8 मनत इज इक्वल्स टू 88 INR, मीन्स 88 इंडियन रुपी। ये थोड़ा सा शॉप का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। ब्रदर व्हाट इज अप स्टेयर? व्हाट इज अप स्टेयर? सो ये कोलगेट वगैरह यहाँ पे है, शैम्पू है, वाटर बॉटल। डू यू हैव 5 लीटर वाटर बॉटल? 5 लीटर? यस 5 मिलीलीटर। दिस इज अ स्मॉल, द बिग वन मनी? नो नो, दिस इज अ स्मॉल, स्मॉल।
0.5 the big one. Yes. How much? Peach 6. Okay, wait. Okay. This one. Saal thi mannat. Okay. So जो पानी की बोतल है बड़ी वाली वो 3.5 मन्नत की है, यानी कि आप 150 मतलब हम 200 के आसपास पड़ेगी ये वाली बोतल 5 लीटर की, तो ये आप ले सकते हो। बाकी 6.5 मन्नत का पूरा पैकेट है डिटर्जेंट का। व्हाट इज दिस ब्रेड? डोनर ब्रेड? यस। डोनर ब्रेड्स हैं सारे। टिश्यू पेपर, डिटर्जेंट, 1 लीटर का पूरा पैक है ये मिलेगा। शू शाइनर, वन के जी 15 1 kg यस भाई, 1 kg 15 मन्नत का है ये। How many? Yes. 20? One. 21 manat. This one? This one. Only one? Yes. Why? Yo, one chilo. One? Oh, kg. वन के जी, अच्छा एक के जी। अगर आप लोग सारे यहाँ पे के जी में हैं, ये भी के जी में हैं, तो ये सारे प्राइजेस अलग अलग हैं, या तो मिक्स करके आप ले सकते हो। 27 ये सारे मिनीचर्स हैं, इनको मिनीचर भी ले रहे हैं, और ये वेप लगे हुए हैं। 20 मन्नत, ये 10 मन्नत, 9000 पफ फॉर 10 मन्नत, एंड 16,000 है 20 मन्नत में। वैसे ही है, दोबारा आऊँगा तो फिर दोबारा दिखा दूँगा और भी चीज़ें इसमें जैसे भी हैं। अभी चलता हूँ, कुछ खाने को देखता हूँ, तब तक लिए बाय बाय। तो मैं अभी टनल में हूँ और यहाँ पे सारी 1 मन्नत की ड्रिंक रखी हुई है, यानी कि 50 रुपये की बॉटल सारी है, और ये अंडरपास है रोड के हर तरफ निकलने के लिए, और पूरा एयर कंडीशन है अंडरपास, जहाँ तक मुझे हाँ ठंडी हवा तो लग रही है, और प्रोमिनेट भी है बगल में उसके वजह से भी है, तो यहाँ पे गर्मी उमस वगैरह कुछ नहीं है, और ये वॉकअवेज लगा रखे हैं यहाँ पे। सेम चीज़ आपको दुबई के जो मेट्रो स्टेशन से उसमें मिलेगी, तो वॉकअवे कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। कुछ ऐसा है भाई, देख लो फिर से, थोड़ी सी रोशनी आया सोचा दिखाऊं। ये एक्चुअली व्यू पॉइंट है जो यहाँ पे नदी के बीच में है, और ये जो फेमस आपको आर्क दिख रहा है ना फ्लावर काइंड ऑफ में, ये वो है क्या कहते हैं लोटस का मिनी वो बना हुआ है सिंबल, और मॉल है ये फेमस। एंड वो तीन अगर आपको ध्यान से दिख पा रही हो तो फ्लेम टावर्स हैं, और एक ये फेमस बिल्डिंग इधर है आर्क वाली जो है सर्कल बना हुआ है, यही तीन मेन स्ट्रक्चर है। चलते हैं बस, अब कुछ बचा नहीं है, बाकी अब डे में देखेंगे डे में क्या है क्या नहीं है। डे में यार फिर धूप भी रहेगी अच्छी खासी। अभी जो टाइम हो रहा है यहाँ का जो टाइम हो रहा है वो 2:15 हो रहा है, और जो इंडिया का है वो ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं सुबह के। सो अब मैं जा रहा हूँ सीधे सोने, सो के जब मॉर्निंग में उठता हूँ देखूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी जितना कुछ करना था हो गया, अभी मैं जिस शॉप पे गया हुआ था आपने पीछे देखा
वहाँ पर दो लड़के थे, एक आई थिंक जो स्टोर संभाल रहा था, ओनर था क्या था पता नहीं, मैंने पूछा तो ही सेड यस ही इज़ ओनर, एक वर्कर था, तो मैंने उन्हें इंडियन करेंसी दी है क्योंकि वो मुझे अभी तक सबसे मतलब बढ़िया लगे, वेलकमिंग लगे। मेरा कैमरा लिया, बोला भाई कैमरा ऑन करो रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तो उसने मेरी रिकॉर्डिंग की थोड़ी बहुत और अपना स्टोर भी देख रहा था उसके बीच में। तो बढ़िया है, ऐसा नहीं कि भाई आपको मतलब बाहर कंट्री में एकदम बुरे बुरे मिलते हैं लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं उस शॉप पे गया, वो बहुत खुश थे सब, मेरी भी रिकॉर्डिंग की उन्होंने मेरे कैमरे से। तो वो पहले बंदे थे अभी तक के डे में, तो ठीक था। पूरा दिन भर मेरा मूड ही ख़राब ही रहा, कुछ नहीं, पानी की बॉटल मैंने ले ली है पीने के लिए सवेरे, और जूस ले लिया है, कर्ड ले लिया है, दो क्रोसेंट लिए हैं, बाकी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही शॉर्मा की शॉप है, बढ़िया शॉर्मा खा सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। ये भाई साहब पानी देखते हुए ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जगह जगहों पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग एंड इट इज़ ऑल अबाउट दी बाकू। मैं आपको छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और दे देता हूँ। जब भी आप बाकू में एंटर होगे ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप 14-15 दिन से ऊपर रुक रहे हो तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, और आपको और सेफ साइड चलना है तो जिस भी होटल या हॉस्टल में हो, आप जितने दिन भी रुके हो उसका आप रजिस्ट्रेशन ले लो। इन केस किसी ने मांग भी लिया, आप भले 4 डेज़ रुके हो, 5 डेज़ रुके हो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इन केस मांगते हैं तो भी आप सेफ रहोगे, तो वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे और वो स्लिप आपको अपने पास में रखनी है। दूसरा मतलब अपडेट ये है, जब भी आप यहाँ पर आओगे भाई, अगर आपको कैब वगैरह नहीं बुक करनी है तो पैसे निकाल लेना मेट्रो कार्ड के लिए, और चेंज मनी होनी चाहिए 2 मन्नत की। यू नीड टू हैव अ 2 मनी ऑफ चेंज मनी टू गेट दिस कार्ड, बाकू मेट्रो कार्ड विच कैन बी यूज इधर ऑन द मेट्रो एंड दी बसेज बोथ एज वेल, मीन्स यू कैन यूज इट ऑन द बोथ साइड। सो दोनों में आप यूज़ कर सकते हो, बस और मेट्रो के लिए। एंड टॉपअप अमाउंट जो है वो मिनिमम 3 मन्नत से शुरू हो जाता है, 3, 5, 10 और उसके बाद सो ऑन, आप जितने भी इसमें टॉपअप है वो कर सकते हो।